गुड इवनिंग व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन नवभारत ई चर्चा। टुडे वी हैव विद अस श्री शरद चंद्रायन, चीफ जनरल मैनेजर कॉनकॉर वेस्टर्न रीजन। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। श्री चंद्रायन इज द चीफ जनरल मैनेजर कॉनकॉर वेस्टर्न रीजन। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1988 under the Companies Act and commenced operation from November 1989, taking over the existing network of 7 ICDs from the Indian Railways. From its humble beginning, it is now an undisputed market leader, having the largest network of 84 ICDs, CFSs in India, 75 terminals and 9 strategic tie-ups. In addition to providing inland transport by rail, for containers, it has also expanded to cover management of ports, air cargo complexes, and establishing cold chain. Concor is committed to providing responsive, cost-effective, efficient, and reliable logistics solution to its customers. It strives to be the first choice for its customers. Concor is a customer-focused, performance-driven, result-oriented organization focused on providing values for money to its customers. I, Vivek, along with Shri Suryaprakash Mishra, will be your host. Welcome to the webinar organized by Navbharat Media Group on the topic, Governance Challenges During and Post-COVID. I'm sure, sir, your views and insights will be very helpful to our viewers. Over to you, sir. धन्यवाद। जो कोविड है वो तो उसके बारे में तो समानता सब लोग जानते हैं। इसके बारे में जो हर एक करीब करीब इस पूरे इस प्लानेट के या इस पृथ्वी के पूरे करीब करीब सारे जनसंख्या को ये छू चुका है, उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके अपनी मेडिकल सिचुएशन है जो अभी तक हम उसको पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक देश कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा चैलेंज है कि जो मनुष्य की जो बेसिक सोशल इंक्लिनेशन है टू कनेक्ट विद द पीपल, आदमी जो है वो कहते हैं कि सुपर ऑर्गेनिज्म है, इट कनेक्ट विद सोसाइटी और लोगों से मिलता है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हमें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि आपको ये कनेक्शन जो है, आपको ये जो जो आदमी के बीच में दो समाज के जो दो जो लोग हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको रोकना है या कम करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के अपने सोशल कल्चरल और साइकोलॉजिकल आयाम हैं। ये जो सोशल और कमर्शियल जो वो है कि आदमी जो अब जब आदमी के सोशल डिस्टेंसिंग करना है तो बहुत से काम नहीं हो पाते हैं, बहुत से उसकी कमर्शियल लाइफ जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है उसका नहीं हो पाता है, फिर उससे फिर उसके उसके सैलरी पे भी कुछ उसका असर पड़ता है। तो उसकी जो चीज़ें खरीदने और नहीं खरीदने की का जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चेंजेस आ जाता है। तो जो बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में कि मास्लो लॉ है, मास्लो लॉ ऑफ नीड्स, जो बेसिक नीड्स है वो प्राइमरी हो जाते हैं, जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो बेसिक नीड मतलब बेसिकली फूड एंड सिक्योरिटी नीड्स जो आपके कॉमन हो जाते हैं। तो जो आपके जो फूड और सिक्योरिटी नीड्स है उसमें से एक आयाम हम लोग कॉन्कर कंटेनर कॉरपोरेशन उसको पूरा करने की कोशिश करता है। आपके सिक्योरिटी नीड्स जैसे मूवमेंट ऑफ मास्क, पीपीई एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, उसको उसमें ये अपना योगदान करता है। और इस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जहाँ पे कोविड था, जहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टेशंस काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे, सोशल ये हम लोगों को या हमारे लोगों को जो फ्री मूवमेंट में थोड़ा परेशानी हो रही थी, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, उस रिस्ट्रिक्शन में हमारा जो काम है, एज आई सेड कि मास्लो ऑफ नीड की तरह जो हमारा काम है जो बेसिक चीज़ों के मूवमेंट का,
फूड ग्रेन, चावल, दाल, गेहूं, नमक, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब चीजों का इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई. लोगों ने इसको कंज्यूमशन उनका बढ़ गया, उनको एज अ सिक्योरिटी उन्होंने उसका एक जो उनकी जरूरत होती है वो ज्यादा उसका उन्होंने उसको रखने लगे. तो एक तरह से जो चीजें थी जो जनरल जो आपके ये जो डिमांड है उससे उस पीरियड में जहां तक हमारे हमें तो मतलब काम हमारा और बढ़ ही गया ड्यूरिंग दैट कोविड. तो सर्टेन चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हम लोगों ने उस पर गियर अप किया. हमारे जो ये स्टाफ एंड ऑफिसर्स थे वो डिफरेंट जगह पे थे, उनको आना जाना, और मुंबई में खासकर जहाँ पे सारा चीज रेल ट्रांसपोर्टेशन पे निर्भर करता है और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण रेल को रेगुलेट किया गया, उसको काफी दिन तक बंद किया गया. तो इस परिवेश में भी हमारे जो लोग थे, हमारे जो ये हमारे जो कर्मीगण थे, उन्होंने बिल्कुल अपनी अपने स्वास्थ्य और उसकी चीज को की, और उसके बावजूद जो बोलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो उस पर उन्होंने विश्वास किया और ऐसा किया कि कोई भी अनइंटरप्टेड रहे हमारा सप्लाई लाइन. हमारा आपने देखा होगा कि मुंबई में कोई चीज़ों की बेसिक चीज़ों की कोई कमी नहीं हुई, तो उस ना कमी होने में हमारे लोगों का भी एक योगदान रहा. बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट. अब हम सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं. सूर्यप्रकाश, पहला सवाल मैं पूछूंगा, दूसरा आप, तीसरा मैं, इस तरह से हम चला लें. जी, तो देश भर में सबसे भरोसेमंद व किफायती लॉजिस्टिक सेवाएं के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जाना जाता है. कोरोना काल में कॉरपोरेशन ने के समक्ष किस तरह की समस्याएं आई और उन्होंने उसे कैसे सुलझाया? देखिए, जो समस्याएं थी, जो आम नागरिक को समस्याएं थी वो तो थी, मतलब कि आपको अपने घर में रहना है, आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपको रिसीव करना है आपने. बट सिंस कुछ लोग तो ठीक है घर में रह सकते हैं, बट जो लोग सप्लाई लाइन चला रहे हैं वो उन्हें तो अपने दफ्तर जाना होगा. मान लीजिए कंटेनर में सामान आ रहा है, अब गेहूं है, चावल है, तो उसको तो अपने डिपो में लाना है और फिर वहां से मेजर वेयर हाउसिंग में जाना है उनको. तो वो काम तो नहीं है और वो तो आप घर से कर नहीं सकते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी है. तो उसमें उस एक्टिविटी में जहां नॉर्मल काम से ज्यादा काम हो गया, जहां पे आपके पर्सनल मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन था, आपके जो रिस्ट्रिक्शन ट्रांसपोर्टेशन का था, जो रिस्ट्रिक्शन स्वास्थ्य के कारण रिस्ट्रिक्शन था, तो उन सबको पूरा करते हुए, और मुझे बड़ा इस बात का हर्ष है कि हमारे लोगों ने बिल्कुल परफेक्शन से किया, और जहाँ पे चीज़ें स्लो डाउन हो रही थी वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा काम करके एक ऐसा उदाहरण दिया कि यहाँ के जो मुंबई और पुणे और नासिक हम लोग उनको सर्व कर रहे थे, तो उनको ना कोई बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट की कोई उसकी दिक्कत हुई, और कुछ कुछ चीज़ें हम आयात भी कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे, जैसे कुछ फेस मास्क या पीपी या अदर इक्विपमेंट्स. तो उसमें भी एक relentless and seamless supply line chain बनाए रखा, despite of उनको transportation and other issues थे. कुछ लोग ऐसे, एक हमारे करम एक महिला, मुझे बताया गया कि एक महिला employee ने ट्रक में बैठ के अपने ऑफिस, घर से ऑफिस आई, एंड बिकॉज और कुछ चल नहीं रहा था तो हमारे ही ट्रेलर्स या ट्रक्स चल रहे थे. तो ये सब चीजें उदाहरण दिया कि हम लोग सबको के लिए कि हम लोग उसको हैंडल करें. सूर्यप्रकाश. हाँ, धन्यवाद विवेक सर. शरद सर, स्वागत है आपका. जैसा कि हम जानते हैं कि आप रेलवे के भी एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और आपका काफी अच्छा जनसंपर्क रहा, जनसंपर्क अधिकारी पद की भूमिका भी आपने निभाई है, तो उसका काफी फायदा भी इस दौरान हुआ होगा आपको. मैं ये जानना चाहता था सर कि कॉनकॉर की इस समय कुल क्षमता कितनी है और इस कोविड कॉल में उसका कितना उपयोग कर पाए हैं आप? देखिए, कॉनकॉर एक मेजर या सबसे बड़ा मोर देन
70-75% ऑफ द रेल शेयर जो हम लोग कंटेनर मूवमेंट करते हैं एज अ कंपनी, तो ये तो है ही कॉन्कॉर के बड़े वो हैं, इनके हम लोगों के आईसीडीज बहुत ज्यादा हैं, ट्रेन हैं, लोग हैं, ये मशीन जो कंटेनर को डील करती हैं, वो क्रेन्स हैं, तो हमारे पास तो एक लीडिंग कंपनी तो है ही। और उसके अलावा जो हमारे पास जो कर्मचारी हैं वो काफी डेडिकेटेड है, जो जो कोरोना काल में जहाँ बहुत सी पोर्ट्स बंद हो गए, बहुत सी सर्विसेज बंद हो गई, बहुत सी चीजें बंद हो गई, और खासकर कुछ चीजें जो हम तो हमारे कर्मचारी तो खैर है ही काफी प्रतिभाशाली, बट हमारे कुछ कुछ चीजें हम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या सर्वे करते हैं, तो उस जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, हमारा किसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल है, तो उसको भी मोटिवेट करना कि जहाँ पे बेचारों को लोग खाना नहीं मिल रहा था, वो नहीं, जो हमारे जो साथ जो लोग काम करते हैं, और नॉट ओनली जो काम करते हैं, जो आसपास रहते भी हैं, तो हमारे लोगों ने उनको खाना पीना और वो सब भी मुहैया कराया कि उनको रहने की सुविधा, बिकॉज आना जाना मुश्किल था। अब ट्रक वाले जो हैं बेचारे जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर वो घर जाने की सुविधा नहीं थी और नहीं थी, तो एक 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 समाज एक इकोसिस्टम की तरह काम किया, और उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो नॉर्मल आपके जो ड्यूटी है बियॉन्ड योर नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी, उन्होंने उसको पूरा किया। तो इस तरह से तो कॉन्कॉर जो एक कॉन्कॉर का एक अपना एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, एक अपनी काम करने की शैली है, तो वो उसको उन्होंने उदाहरण उसका सही उदाहरण दिया, सही जब जरूरत पड़ी जहाँ पे महाकाल आया, तो जो नॉर्मल जो आपकी ड्यूटी है बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी उन्होंने काम किया। सर तीसरा प्रश्न, कोरोना महामारी के समय कॉरपोरेशन ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग आदि को लेकर किस तरह के उपाय किए थे? देखिए, हमारे यहाँ एक हाई पावर कमिटी बनी जो हमेशा रिव्यू करती थी, तो हमने न सिर्फ अपने यहाँ बट जो अपने यहाँ जो अपने कर्मचारी बट जो हमारे प्रिमाइसेस में आते हैं, हमारे आईसीडीज में आते हैं, उनके लिए भी हमने सारे कदम उठाए, जैसे सैनिटाइजेशन, तो हमने एक प्रोफेशनल एजेंसीज ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे केमिकल सैनिटाइजेशन, और एक पीरियडिसिटी होती है कि कितने दिन पे कैफेटेरिया एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, जहाँ कम लोग आते हैं, तो एक बहुत ही गृहस्थ एक बहुत डिस्क्रिप्टिव कार्यक्रम बनाया कि जो हमारे यहाँ जो हम लोग यहाँ आए और हम लोग उनके मेरे जो जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो लोग हमारे प्रमाइसिस में हमारे कस्टमर या उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो उनकी भी क्लीनिनेस के लिए हम लोगों ने जैसे फेस मास्क फ्री में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किया, सैनिटाइजेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, केमिकल केमिकल से उनकी क्लीनिनेस वगैरह, फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोगों ने उसको किया कि कहाँ कहाँ कितने लोग रहेंगे, तो और बहुत सा चीज़ हमने क्या कर दिया है कि अभी आज के तारीख में ई ऑफिस जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो बोलते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो गई है कि आपको हमारे प्रमाइसिस में कम से कम आना पड़े, और कस्टम ने भी बनाया है बिकॉज हमारे यहाँ कस्टम क्लियरेंस हो जाते हैं, तो उनके साथ मिलके ऐसा बनाया कि बहुत सी चीज़ें वो अपने घर से ही कर सकते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ लोगों का मूवमेंट है वो रिड्यूस किया हम लोगों ने। एम्प्लॉयज़ को हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ को कोरोना से ग्रसित हुए हैं, मुंबई रीजन में सिर्फ 2 लोग ग्रसित हुए थे वहाँ पे, और दोनों स्वस्थ हैं अभी, तो हम लोगों के आई थिंक कि जो उन्होंने प्रिकॉशंस लिया है हमारे लोगों ने, और जो सैनिटाइजेशन सारे मैंने हर 2 या 3 दिन पे जो पब्लिक एरिया है उसको हम लोग कंप्लीटली सैनिटाइज करते हैं, कैफेटेरिया को डेली कर रहे हैं, देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो हम लोग डेली कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पेड़ सिटी अलग अलग है, तो इससे ये फायदा हुआ है कि हमारे कर्मचारियों को भी काफी लिमिट हुआ, जहाँ पे सारे केसेस इतने बढ़ गए हैं तो हमने ये थैंक गॉड कि हमारे यहाँ कम हुआ है, और कुछ जगह दूसरे रीजन्स में दूसरे दिल्ली और उसमें कुछ लोगों को हुआ भी था, तो उन्होंने सब स्वस्थ हो गए हैं और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट भी किया है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है तो उसका भी उन्होंने बयान किया है कि ना खुद अपने स्वस्थ रहें और जो हमारे प्रमाइसिस में आ रहे हैं उनको स्वस्थ रखें, बल्कि जो समाज में अगर हमसे कोई योगदान हो सकता है इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा और एनी अदर थिंग, तो वो भी उसका भी प्रयास किया। सर
इस लॉकडाउन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा कि जिस पर इसका प्रभाव न पड़ा हो, तो जाहिर है कि कॉनकॉर पर भी इसका प्रभाव पड़ा ही होगा, और इसका कितना प्रभाव रहा और इससे निपटने के लिए क्या विशेष प्रयास आपने किए? देखिए विशेष मतलब एक तो ऑब्वियसली जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है ये तो उसी से पालन करने से, तो जितना आप स्ट्रिक्टली पालन करेंगे तो उसको कंट्रोल में लाएंगे, तो जो सरकार के जितने अध्यादेश थे और जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे तो उसको हम लोगों ने कहा कि जितना हम फॉलो मतलब मैक्सिमम जितनी प्रयास किया कि उसको फॉलो और हुए भी हैं, उसका हमें लाभ भी मिला है कि ओनली 2 कर्मचारी जो अभी स्वस्थ हो चुके हैं, बस 2 कर्मचारियों को ही इससे अभी तक कोरोना से ग्रसित हुए हैं। इसके अलावा जो स्पेशल प्रयास में हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, मेडिकल कैंप्स मुलुंड में, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये जो हमारे यहाँ जो मताड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, जो और ट्रक ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए भी लगाए हैं। और इस तरह से मैं तो बताऊं कि कोरोना के पहले भी एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग रेगुलर कैंप लगाते रहते हैं, जिसमें दवाइयाँ चेकअप दवाइयाँ और यहाँ तक कि चश्मे वगैरह भी देते हैं फ्री में। तो ये तो हमारा एक हमेशा मतलब ये हमारे DNA में आ गया है कि एक सोसाइटी को लेकर चलने के लिए बात है, और वो कोविड में हमने उसको बिल्कुल 100% अमल करने की कोशिश की है। सर, कंटेनर कॉरपोरेशन इन विपरीत परिस्थितियों में रेलवे के साथ मिलकर कंटेनर से बहुत सारे विशेष जरूरी वस्तुएं को की आदान प्रदान की है, उन्हें जगह पर पहुंचाया है। इसमें शायद आपके फूड ग्रेन्स भी इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मुंबई शहर और पुणे शहर और नासिक और आसपास, ये इंडिया का या मे बी दुनिया का वन ऑफ द मेजर अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन है। सबसे ज्यादा लोग मुंबई और पुणे और मिला के 3 से 4 करोड़ रहते हैं लोग, तो उसमें उनको बेसिक जो फूड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है कि खाद्य पदार्थ, और ये चीज यहाँ पे जैसे राइस चावल दाल या गेहूँ यहाँ होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये शहर है। तो जैसे हम लोगों ने जो राइस और वीट मंगाया, गेहूँ और चावल मंगाया, वो पंजाब से मंगाया, दाल यहाँ से उल्टा एक्सपोर्ट किया आसपास की जगह से, बिहार और अदर ये केरला में हमने दाल भेजा हुआ। नमक जो है हम लोगों ने नमक कुछ गुजरात से मंगाया, बट कुछ नमक चाहिए था लोगों को 1 kg पैक पे, तो वो हमने चेन्नई से मद्रास से मंगवाया। दाल तो आपको बताया, दूध के जो पाउडर्स थे तो वो हम लोगों ने वो अगेन गुजरात से मंगाया। तो ये देश बहुत बड़ा है और लोगों के पास इस देश में काफ़ी चीज़ें संसाधन है, तो ये देश के जो अलग अलग हिस्सों में जहाँ सरप्लस था, और ये खासकर अर्बन कॉग्लोमरेशन जहाँ 4-5 करोड़ लोग हैं, जो सब्सटैंशियल 2-3% ऑफ इंडिया है, तो उसके लोगों को ये एक चैलेंज था जो हमने रेलवे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको उसका निर्वाह किया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मतलब मुंबई में कोई इस चीज़ों की विशेष कोई किसी की किल्लत नहीं हुई, कोई कहीं भी कोई शॉर्टेज नहीं हुआ। उसके अलावा जो इम्पोर्टेड स्टफ, कुछ चीज़ें शुरू में हमें इम्पोर्ट करने पड़ी, फेस मास्क से लेके PPE, अब तो हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बट शुरू में इनिशियली इतने मैसिव स्केल पर रिक्वायरमेंट नोबडी हैड प्रेडिक्टेड। इनफैक्ट यार, कभी किसी को, जो लोग कोविड जो अभी देख रहे हैं, तो किसी ने इसको इंक्लूडिंग बड़े वेस्टर्न पावर्स या किसी ने भी इसको एंटिसिपेट इस लेवल पे नहीं किया था, और सबके लिए एक ये एक नया और काफी जिम्मेदारी वाला अवसर था। तो उसको हम लोगों ने देश विदेश से जो भी हमारी आवश्यकताएं रही हैं, और इनफैक्ट बहुत सी चीज हमने विदेश में भेजा है यहाँ से, स्पेशली राइस वगैरह वो सब चीज हमने विदेश, ये हमारे नागपुर और जहाँ सरप्लस एरिया है, मुंबई से तो नहीं बट मुंबई के बाहर भी जो एरिया है, तो ये तो क्या है कि एक देश एक आपस में एक मतलब इंसानियत जो है, इंसान जो है वो कनेक्टेड रहता है, तो उसकी जो चीजें हैं आज के तारीख में जो इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे, और फिजिकल नीड्स जो हैं वो जो फिजिकल ये खाने की चीजें हैं या सिक्योरिटी और जो हेल्थ की चीजें हैं, तो वो तो आदान प्रदान होता रहता है।
तो ये तो हमने क्या, हम लोगों का एयर कार्गो भी है मुंबई में, तो एयर कार्गो से भी हम लोगों ने बहुत सी चीजें बाहर भेजी हैं और बहुत सी चीजें मुंबई में ला रहे हैं। तो कॉन्कॉर एयर कार्गो में जैसे आपने कहा कि ये है, तो हम लोगों ने सारे डायमेंशन में, शिप में, एयर कार्गो में और रेल से, तो ऑब्वियसली रेल सबसे बड़ा हमारा, उसी में हमारा योगदान रहा है। तो हम लोगों ने शहर को एक जो भी आवश्यकता रही है उनको पूरे करने की कोशिश की। सर जीवनावश्यक वस्तुओं का तो आपने काफी आयात निर्यात या परिवहन किया, इसके अलावा भी इस लॉकडाउन में और वस्तुओं का आयात निर्यात काफी प्रभावित हुआ है इंडस्ट्रियल, तो उसका कितना असर कॉनकॉर पे हुआ? देखिए, इसको मैं दो पार्ट में कहूंगा कि एक तो ऑब्वियसली डिमांड जितना रहेगा, मतलब वी आर अ ट्रांसपोर्टर, तो जितना डिमांड रहेगा उतना ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि जब मतलब ये तो डिमांड जनरेट होना है। और जहां तक प्रभाव की बात कर रहे हैं कि ये ऑब्वियसली ये तो बड़ा सिंपल है कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने कहा मार्शल ऑफ लॉ है कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है फूड की और सिक्योरिटी की, और देन ऊपर पहले तो ये होती है, फिर साइकोलॉजिकल नीड होती है, फिर स्पिरिचुअल नीड होती है। तो उस तरह से वो डिमांड भी लोगों का, अभी मान लीजिए कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ शर्ट, फॉर अ टॉय, तो वो तो अफेक्ट होगा ही होगा, मतलब बिकॉज लोग अपने उस पर करेंगे। फिर लोगों की जो सैलरी पे इम्पैक्ट आया है, तो कुछ चीजें जो मास्लो जो पिरामिड है, तो नीचे की चीजों पे ज्यादा उसका असर होगा, मतलब दैट इज द मार्केट। उससे कोई भी अछूता नहीं है और हम लोग भी नहीं है, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस और फॉर्चुनेटली फॉर माई रीजन, हम लोगों ने हमारा ग्रोथ रहा है, हम लोगों ने मतलब ये मतलब डिस्पाइट ऑफ लॉकडाउन और डिमांड की अपनी इश्यूज थे, उसके बावजूद भी हम लोग पिछले साल से हम लोगों का परफॉर्मेंस एज फार एज वेस्टर्न रीजन इज कंसर्न तो अच्छा रहा है। सर कॉनकॉर अपनी बिजनेस ग्रोथ बढ़ाने के लिए और कुछ नए उपाय कर रहा है कोरोना के अलावा भी? मैंने कोरोना खत्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं थोड़े दिन में, तो क्या क्या प्लान रहा है कॉनकॉर की बिजनेस को विस्तार करने के लिए फर्दर? देखिए, कॉनकॉर नए नए चीजों में बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, नए वर्टिकल्स जैसे कोस्टल शिपिंग में हम लोग जा रहे हैं, हम एयर कार्गो में थी, हम ये हम इसमें हम नए जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं विद डिफरेंट कंपनीज के साथ, हम जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं कि हम जो उनके पास, बिकॉज इसमें आईसीटी में लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो कर रहे हैं हम लोग, दैट इज। उसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक उसमें एक्सपेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक में हम लोग बड़ी तरह से घुस रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी हैं, हम लोगों ने कंटेनर में और रैम्प के थ्रू जो पॉलिथीन बैग्स के अंदर बड़े उसमें कंटेनर में हीट का मूवमेंट स्टार्ट किया है, उसके अब हम नए वो जो हमारा जो अभी जो प्रयास है कि हम लोग उसको बोलते हैं LML, लास्ट माइल लॉजिस्टिक, तो लास्ट माइल लॉजिस्टिक में हम अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहे हैं और इसमें ये तय करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जैसे ओला टाइप की जो फैसिलिटी सेमी ऐप बेस्ड फैसिलिटी होगी कि जहाँ पे हमारे कस्टमर को ये मिलेगा कि उसको एक चॉइस मिलेगा कि हम कौन सी ट्रक को यूज़ करें और ये एक जगह बी करें सी करें एंड ऑल दिस, तो एक ट्रांसपेरेंट ढंग से हम उसको एक अच्छी सर्विस जो फॉरवर्ड जो लिंकेजेस में हम लोग उसको करने की कोशिश, तो हम लोग मेजर एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं। सर सड़क परिवहन में भी कंटेनर काफी उपयोग हो रहा है, तो इसमें कॉनकॉर की कितनी भूमिका बन रही है सड़क परिवहन के माध्यम से? हाँ, जैसा कि बताया कि थोड़ी बहुत तो थी हम लोगों की, ऐसा नहीं था पहले नहीं थी, बट अभी हम लोग उसको बहुत एग्रेसिव वे में वो FML फर्स्ट माइल लास्ट माइल जो वो कर रहे हैं कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल में वो हमारे थ्रू उसको हम इफिशियंट बना रहे हैं। और जैसे आप पहले टैक्सी में आप चढ़ते थे तो, और ओला में जो डिफरेंस आया है क्योंकि आपको मोर चॉइसेस बढ़ गए हैं और रेट्स आपके रिजनेबल हो गए हैं, तो उस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, ऐप बेस्ड वो ट्रैकिंग सिस्टम जो अभी शुरू में मैं अपने टर्मिनल के लोग चीज़ों को करूँगा, और जिस तरह से एक्सपेंशन होता है तो और भी आगे हम लोग उसको स्प्रेड करेंगे।
सर लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन का कितना असर कॉरपोरेशन के काम पर हुआ? ये पहले तो मैं अपने एम्प्लॉय का पूछूंगा। तो अब मेरे एम्प्लॉय तो कुछ लोग दूसरी जगह अटक गए थे और ये हो गए थे, तो भी जो लोग एग्जिस्टिंग थे उन्होंने उसको उनका भार अपने पे उठाया। जैसे आप पूछते हैं कि अपने कभी परिवार में कुछ हो जाती है तो आदमी सब मिलके उसको सॉल्व करते हैं, तो करीब 1.5 महीने तो कोई नहीं जा पाया है। तो जो लोग एग्जिस्टिंग जो जहाँ थे, और जैसे मेरे एम्प्लॉय कहीं अहमदाबाद में हो या कहीं हो, तो वहाँ को हेल्प किया। तो जो जहाँ थे अपने टेरिटोरियल एरिया के बियॉन्ड थे, तो वहाँ पे लोगों को हेल्प किया। रहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल्स की बात है, तो उसमें एक मेजर लोगों का ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि काफी लोग चले गए और जा रहे थे, तो उसमें भी हमारे लोगों ने मिलके और मल्टीटास्किंग, जैसे सिक्योरिटी वाला सर्वे का काम कर रहा है एंड ऑल्सो, सो उसमें ऑब्वियसली असर तो पड़ा, लेकिन हम लोगों ने कस्टमर को असर नहीं पड़ने दिया। हमारे रिसोर्सेज जरूर कम हुए, और जैसा कि कहा कि हमारा काम बढ़ गया, फिर भी कस्टमर को ये इम्पैक्ट ना हो इसका पूरा प्रयास किया। ट्रकिंग जैसे मान लीजिए कि वो एक ट्रिप करते थे, वो दो ट्रिप करने लगे, कुछ तो रोड भी थोड़ा सिंप्लीफाई, रोड में कंजेशन भी कम हो गया, तो उससे भी थोड़ा फायदा हुआ। तो जहाँ पे एक ट्रिप कर रहे हैं वहाँ दो ट्रिप या डेढ़ ट्रिप में, एक बार गए एक बार आए और एक बार फिर उसके यहाँ चले गए। तो उसी रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हमारे कम हुए उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, और उसको हमारे जो लोगों ने उसको ऑप्टिमाइज किया वहाँ। और अब तो मेरे पास जो है स्टाफ, जो पलायन जो है वो विपरीत दिशा में आ रहा है, तो अभी हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की उतनी कमी नहीं है। अच्छा सर, फ्रेट ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए नए उपाय कर रहे हैं आप, ऐप पर आधारित जैसे आपने बताया सर। इसी तरह रेलवे बोर्ड ने एक बीडीयू का गठन किया है, मतलब निर्देश दिया है जोनल रेलवे को, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, उसके माध्यम से व्यापार बढ़ाने का कार्य। तो इसमें कॉनकॉर की क्या भूमिका होगी सर? इससे आपको कितना लाभ होगा या आपकी इससे कुछ मिलजुल कर, जैसे अभी प्याज का निर्यात किया नासिक से मध्य रेलवे ने, अभी ऑटोमोबाइल से भी उनका चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से पश्चिम रेलवे से भी आ रहा है जोनल, तो कॉनकॉर इसमें किस भूमिका में रहेगा? देखिए, कॉन्कॉर तो हमेशा काफी इन डीप टच विद ये है, रेलवे से है, रेलवे का ही PSU है, तो हम लोगों के इनपुट रेलवे लेते रहती है और वो किया है। हम लोग काफी जगह से CRT से करते हैं, CRT कंटेनर रेल टर्मिनल, तो उसका उन्होंने रेट रैशनलाइज किया है। हम लोगों के जो कहने पे जो स्टेबलिंग, अब समय गाड़ियां बहुत फास्ट चल रही हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेन कम चाहिए, तो गाड़ियाँ स्टेबल हो जा रही हैं, तो पहले इस पर चार्ज लगता था, उसको माफ किया है। कुछ अभी अभी कल परसों में उन्होंने रेट भी कम किया है और चीजें के MT डायरेक्शन में किया है। तो रेलवे से तो हमारा बड़ा पुराना, मैंने हम उसको डे टू डे करते रहते सबसे हैं। हाँ, बड़े स्टेक होल्डर। हाँ तो वो तो करते रहते हैं, और जो बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का है तो उसको भी हम जो भी, और ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये जो भी हमें कुछ ये होगा तो उसको भी हम इनको, अभी तो हम लोग मैंने प्रधान कार्यालय में चीफ ऑपरेशन मैनेजर, चीफ कमर्शियल मैनेजर के थ्रू करते थे, और CFTM के थ्रू और CMDM के थ्रू। तो अगर ये यूनिट भी आएगा तो उसको भी, अगर कॉम्पिटिशन आएगा तो उसको भी हम बताएंगे कि आपको होलिस्टिक में हमको क्या चाहिए, हमको क्या मतलब वो है, तो ये तो हम उनका उसका लाभ उठाएंगे। और जो भी हमें जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, एक छोटा सा प्रश्न था कि अपने कॉनकॉर को काफी सारे डिपोज होंगे जहां पर, तो क्या आपकी कोई इंटरनल मेडिकल फैसिलिटी भी है आइसोलेशन ये सब करने के लिए, या आपका टाई अप है थ्रू सम हॉस्पिटल्स या फिर BMC हॉस्पिटल्स की यूज करते हैं आप लोग? मतलब अगर कोई, क्योंकि ये कोरोना अभी खत्म होगा कब होगा इसका कुछ कहना मुश्किल है फिलहाल। देखिए, हमारी कॉन्कॉर में बहुत अच्छी मेडिकल सेवा है, मेडिकल सेवा तो नहीं कहूँगा मैं, फैसिलिटीज ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि हम लोग इसमें जो किसी भी हॉस्पिटल में आप, क्योंकि नामी क्यामी किसी हॉस्पिटल में जो आप, जैसे आप हमारे यहाँ जो मुंबई के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, तो सब में हम, हमारे कर्मी अलाउड हैं। तो शुरू में तो BMC
लेड हॉस्पिटल में था, लेकिन अभी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और सारा पैसा हम रिम्बर्स करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको एडवांस भी देते हैं, और ये सब कोविड से रिलेटेड नहीं, कोई भी डिजीज से देते हैं। उसके अलावा हम उनको, दैट इज अ इंडोर फैसिलिटी जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, और ओपीडी जो है आउटडोर भी है, तो उसमें भी काफ़ी क्षमता तक हम उनको उसमें हम उनको रिम्बर्स करते हैं। तो हमारा सिस्टम रिम्बर्समेंट वाला सिस्टम है। बट मेडिकल में जो कर्मी काम कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं, तो उस पर कोई लिमिट है नहीं, और काफ़ी अच्छी सुविधा है, और हमारे कर्मचारी इससे बड़ा वो है, खुश है। बिकॉज अब किसी एक हॉस्पिटल से तो दिक्कत है, कोई कहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई हॉस्पिटल ए में स्पेशलाइज करता है, कोई बी में स्पेशलाइज करता है। तो ये हमने फ्रीडम अपने एम्प्लॉयज को दिया हुआ है कि आप जहाँ जाइए और आपके सारे जो मेडिकल हैं उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम रिमबर्स करेंगे, इंक्लूडिंग द रिटायर्ड एम्प्लॉयज, इंक्लूडिंग रिटायर्ड। सूर्यप्रकाश, हाँ, मेरी तरफ से सर अंतिम सवाल है आपके लिए। कोरोना काल में मेडिकल से जुड़ी बहुत सारी सामग्री जो आपने कहा शुरू में आयात की गई है काफी, और अब तो आत्मनिर्भर हो गया है, उसमें से कीट और बाकी सारी दवाइयां थी या और सामग्री जो थी, तो उसको कहाँ कहाँ तक पहुंचाने में आपको कामयाबी मिली? मतलब देश के कई कोने में पहुंचाई गई वो सामग्री, लेकिन विशेषकर आपकी भूमिका कितनी रही? देखिए, मुंबई में जो जेएनपीटी पोर्ट है वो करीब 20 से 22 डेस्टिनेशंस को सर्व करता है, पूरे नॉर्दर्न एरिया, मतलब आप लुधियाना से स्टार्ट करें, दिल्ली, राजस्थान, कानपुर, इधर इंदौर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, ये बोईसर आपने नाम सुना होगा, वापी। तो हम लोगों करीब 20 से 22 टर्मिनल्स पे, तो हमारा यहाँ से करीब करीब कुछ जगह तो डेली सेवा है, दिल्ली 3 गाड़ियाँ डेली जाती हैं दिल्ली, तो हमारी सेवा काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और कुछ जगह के लिए करीब वीकली और बाई वीकली है। तो ये करीब हमारे 20-22 टर्मिनल्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली डील करते हैं, और उसके अलावा कुछ हैं कि जो वो ट्रांसशिप होकर कहीं और जाते हैं, तो कुछ तो हमने इम्पोर्ट वाले में तो सब जगह किया है। कुछ चीज़ें हम यहाँ से आउटवर्ड जो बोलते हैं कलकत्ता भेजते हैं, कुछ हम ये रायपुर भेजते हैं, कुछ नागपुर भेजते हैं, जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, तो वो भी हमारा रेगुलर वो है दिल्ली के लिए, उसके लिए। तो ये जो रेल से हम देश और ये तो एक साइड हुआ, इसी तरह उल्टा विदेश साइड भी जो चीज़ें वहाँ से लोड हुई, बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं हमारे, अब तो हम पीपीई वगैरह सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत से किट और हमारे अनाज एक्सपोर्ट होता है, प्याज एक्सपोर्ट होता है, हम प्याज के लिए रेफर, ये मीट के लिए रेफर ट्रेन चलाते हैं, रेफ्रिजरेटेड होता है, हम फ्रूट्स हमने भेजा हैदराबाद से ये, तो और अभी हमारा कुछ एक टर्मिनल नासिक में है, वहां से हम करीब सीजन में अनार से लेके ग्रेप्स, मैंगो, हमने मैंगो काफी भेजा है, मेरे ये अनियन, ये काफी चीजें हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं, और बीच में हमने इंपोर्ट भी किया, अचानक प्याज का शॉर्टेज हो गया था, तो हमने काफी जगह इंपोर्ट किया और इंडिया के सभी कोने में भेजा, इंक्लूडिंग मुंबई में भेजा। तो ये तो चीजें हैं कि जब कम होती कभी ज्यादा होती है, तो जनरली एक्सपोर्ट होती है, बट अगर ये अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, उसमें भी सहायता करते हैं। सर, कुछ जरूरी दवाइयां थी, टेस्टिंग किट्स थे कोरोना रिलेटेड, तो क्या इनकी भी इंपोर्ट में कॉनकॉर का डिस्ट्रीब्यूशन में कॉनकॉर का ये रहा है? बिल्कुल, ऐसा ही बताया कि हम लोगों ने इसमें मार्केट शेयर, हम लोगों का लायन मार्केट शेयर है रेल बेस्ड कंटेनर मूवमेंट का, ये सारी चीजें जो है हमारे, ऐसे आपने खुद ही कहा कि करीब 90 जगह पे हमारे टर्मिनल्स हैं, और डिफरेंट जगह पे कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, तो ये देश के सारे कोने में फ्रॉम मतलब आपके अमीन गांव इज गुवाहाटी, ये कलकत्ता, हैदराबाद, नागपुर, ये सब, और पूरी भारत में हमारे करीब करीब डेली और बाई वीकली सेवाएं हैं, तो सब जगह हमने इम्पोर्ट भी किया है, और अभी एक्सपोर्ट की बारी आई है तो एक्सपोर्ट भी कर।
सर, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे व्यूअर्स को, रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है और देते रहते हैं उसको पालन करें, और ये चीजें बिल्कुल आश्वस्त रहें कि देश में कोई चीजों की कमी नहीं होगी, तो उसको जितना आवश्यकता है उतना आप उसको ग्रहण करें, और ये कोई भी अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन में जो हमारा योगदान है, मेरा और हमारे साथी कर्मी जो रेलवे के हैं और कस्टम के हैं और उसके हैं, तो उसमें हमेशा आप विश्वास रखें, और ये जो चीजें हैं हम आपको कमी नहीं होने देंगे, और कभी एक्सपोर्ट करना हो, कभी इंपोर्ट भी करना हो, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सूर्य प्रकाश, आप क्लोजिंग रिमार्क दें। सर, आप हमारे नवभारत वेबिनार, नवभारत मीडिया वेबिनार में शामिल हुए और बहुत जरूरी जानकारी जो है हमारे पाठकों तक, लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि हमारा नवभारत न्यूज़पेपर जो है, हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी दैनिक जो है, इसके 6 एडिशंस हैं पूरे महाराष्ट्र में निकलते हैं, और भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी एडिशंस हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 6 एडिशनों में अभी इंडियन रीडरशिप सर्वे के अनुसार हमारी पाठक संख्या सर्वाधिक 34 लाख पहुंच गई है। हिंदी भाषियों में सर्वाधिक पाठक संख्या हिंदी अखबारों की हमारे नवभारत की है। इसके साथ साथ हमारा एक सहयोगी अखबार नवराष्ट्र भी है जिसकी पाठक संख्या करीब 6 लाख के करीब है। इस तरह हम आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब 41 लाख पाठकों तक अपनी पहुंच रखते हैं, और इस माध्यम से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओवर टू विवेक। धन्यवाद सर। मैं तो सभी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि कंटेनर कॉरपोरेशन जो क्या कर रही है लोगों के लिए और देश के लिए, इसको हमें बताने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।